ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरव नाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास शिव शक्ति मात्र छाया परिवार की ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचती है। अगर आपका कोई सवाल है, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कमेंट्स बॉक्स पर जरूर ओम नमः शिवाय और अपना सवाल लिखना ना भूलें। अगर आप किसी भी मंत्र को लगातार जप करते हैं एक ही माला पर, और आपकी माला अचानक टूट जाए, तो उसका क्या प्रभाव होता है? उसी सवाल का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। अगर जब हम मार्केट से कोई भी माला लेके आते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं, उसको जगाते हैं, जगाने के बाद उसका जाप करते हैं निरंतर, तो अगर उसका धागा अगर कमज़ोर है, ठीक है, उसके अंदर जो धागा है अगर वो कमज़ोर है, टूट जाता है, तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है, क्योंकि वो धागा ही कमज़ोर था। तो जब कोशिश ये करें कि आप वो माला ला के अपने हाथ से स्वयं दोबारा उसको बना लें, तैयार कर लें, या आप जब भी माला खरीदें, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, चाहे वो तुलसी की हो, चाहे वो किसी भी धातु की हो, तो वो जो है मजबूत होना चाहिए, मजबूती आप तुरंत वही चेक कर लें। उसके अलावा अगर आप उसको जाप कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया उसको, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल हो गए, उसके बाद में अगर उस माला पर टूट रही है किसी कारण, उसका धागा कच्चे हो रहे हैं, तो उसका भी कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप माला को जाप कर रहे हैं, जाप करते करते आपकी माला उलझ जाती है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि माला को समय समय पे जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है, वो जो है उसको लगाना चाहिए उसको, जिससे कि माला के अंदर थोड़ी सी चिकनावट बनी रहे, जिससे माला जाप करते समय उलझे ना। और जब हम गौमुखी के अंदर माला रख के जाप करते हैं, तो पहले गौमुखी के अंदर माला सीधी एकदम डालनी चाहिए, जिससे मनके के ऊपर मनका हो, मनके के ऊपर आड़े वेड़े तिरछे मनका नहीं होना चाहिए, जिससे वो उलझे। अब आप उसमें जाप करते हैं, अगर आपने अपनी माला को समय समय पे 2 महीने में, 1.25 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने भर के अंदर अगर आप उसमें देसी घी लगा देते हैं माल हाथ में हल्का सा, और तब भी आपकी माला अगर उलझ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो वातावरण में नकारात्मक शक्ति हो सकती है, आपके एनवायरमेंट में आपके घर परिवार की कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है जो बाहर से चल के आई है, या आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट है, कोई ऐसा ग्रह है जो आपकी, वो नहीं चाहता है कि आप इस देव या देवी या शक्ति की आप जाप करें, जिससे मेरा नकारात्मक प्रभाव खत्म हो और मैं आपको सुख फल दूं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति, आप उसको कोई चीज़ डिमांड करते हो, उसकी देने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीच में पड़ जाता है कि दे दो भाई इसको, इसका भी काम चल जाए, तो देना पड़ जाता है, तो वो जाप वहाँ पर इस तरीके ही कार्य करता है। तो ऐसी अवस्था में अगर माला उलझ जाती है, तो दूसरे हाथ से माला रोक दें, वहीं पर जाप निरंतर चालू रखें। कोशिश ये करें कि जो पहली उंगली होती है अंगूठा के पास वाली उंगली, तर्जनी उंगली के बिना स्पर्श करे हुए दूसरे हाथ से बाहर से ही माला को सुलझाने की कोशिश करें। अगर नहीं सुलझती तो माला बाहर निकालें, गौमुखी से उसको सुलझाएं, और उस माला को फिर प्रणाम करके और पूर्ण मन की श्रद्धा से उस जाप को फिर दोबारा आप जो है करें, यानी उस माला को फिर से दोबारा करें। और संग में क्षमा रूप में अगर माला आप जाप कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप डेली 11 माला, 21 माला, 51 माला, 27 माला, 54 माला आप जाप कर रहे हैं, उसमें मान लिया एक बार आपकी माला उलझी, ठीक, फिर आपने निकाल कर सही कर लिया, फिर आपने उसी माला को फिर एक बार और पूरा कर लिया, लेकिन फिर माला अगर उलझी, तो अगर 2 बार माला उलझती है या 3 बार माला उलझती है, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि आपको प्रणाम करना है, आपको 2 मिनट रुकना है, और क्षमा के रूप में 5 या 7 माला आपको जाप करना है, जिससे मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त हो। इसके आगे एक सवाल और आता है, वो ये है कि हम जब जाप करते हैं, जाप करते करते कई बार क्या होता है कि हमारी माला जो है छूट जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बंधुओं, कि जब हम जाप करते हैं और जाप करते समय अगर हमारी माला छूट जाती है, और माला छूटते समय हमारा ध्यान
जिसको हम जाप कर रहे हैं उसमें पूरा है हमारा, मतलब उसमें हम खो जाते हैं और माला छूट जाती है और निरंतर हमारा जाप चलता रहता है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन अगर हमारी अवस्था चेतन है, यानी कि हम कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, आप चेतन में नहीं है, हम समझ रहे हैं हर छोटी छोटी बातों को भी, कान में भी बाहर की आवाज़ आ रही है, हम मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में कि अगर जो है माला हमारी गिर जाती है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से माला निकालना है, माथे से स्पर्श करना है और दोबारा आपको फिर माला को जाप करना है। तो ये जो था एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपसे शेयर करी कि अगर ऐसा होता है तो आप इस चीज़ को इस तरीके से कर लें। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। आपका समय शुभ हो।